अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि एक बार फिर से करनाल पुलिस ने चालान शुरू कर दिए। बढ़ते हुए क्राइम को देखते हुए चालानिंग एक बार फिर से शुरू हो गई है करनाल के सेक्टर 13 और 13 एक्सटेंशन के बीच में जो रोड है वहाँ पर। आपको बता दें कि करनाल पुलिस द्वारा धड़ाधड़ आज चालान किए जा रहे हैं और फिलहाल आप देख सकते हैं कि चालानिंग करते हुए पुलिस अधिकारी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिनके दस्तावेज पूरे नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर केवल चालान से जो क्राइम है वो कैसे रुकेगा, केवल चालान से जो बढ़ता हुआ क्राइम है वो कैसे रुकेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर वाहन को यहाँ पर रोका जा रहा है, जिन्होंने नियम कायदे कानून की जो लोग पालना नहीं कर रहे उनके यहाँ पर चालान करते हुए जो अधिकारी हैं वो नज़र आ रहे हैं। कुछ गाड़ियाँ वापस मुड़ जाती है, ये देखिए जो लगातार जिस रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम ट्रैफिक रहता है उस रोड के ऊपर आप देख सकते हैं कि वाहन किस तरह से मुड़ मुड़ कर वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को इस खबर को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीर इस समय आप करनाल से देख रहे हैं जहाँ पर बढ़ते हुए क्राइम को देखने के बाद जो पुलिस अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि आदेश किए गए हैं कि चालानिंग को एक बार फिर से शुरू किया जाए और सेक्टर 13 और 13 एक्सटेंशन के बीच किस तरह से जो चालानिंग प्रक्रिया है वो होती हुई दिखाई दे रही है और ज़्यादातर उन वाहनों को रोका जा रहा है जिन्होंने हेलमेट नहीं डाला हुआ या जिनके ऊपर डाउट रहता है कि इनके पास दस्तावेज नहीं होंगे। ये फिलहाल आप देख सकते हैं कि कैसे, ये देखिए नंबर प्लेट देखिए कितनी नंबर प्लेट है, इन वाहनों को यहाँ पर रोका जा रहा है जिनके छोटी छोटी नंबर प्लेट हैं। ट्रैफिक नियमों की जो लोग पालना नहीं करते उनके जो चालान हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी इसे शेयर भी करें। फिलहाल किस किस चीज़ के चालान किए जा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे और पुलिस कंट्रोल रूम की तरफ से यहाँ पर गाड़ी आई हुई है जिसमें 4-5 पुलिस मुलाजिम हैं और हर वाहन की यहाँ पर जांच की जा रही है जो लोग यहाँ पर ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं कर रहे। सर किस किस चीज़ के जो चालान है वो किए जा रहे हैं? मास्क हेलमेट वगैरह का, मास्क और हेलमेट के। हाँ जी, तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे सर, एक बार फिर से कहीं ना कहीं लोगों ने जो ट्रैफिक नियम है उनकी पालना बंद कर दी है? लोग बहुत सियाने हैं, क्या कहें इनको, सुनाओ। मानते नहीं? मानते नहीं, बहुत सियाने हैं लोग, बहुत पढ़े लिखे हैं, नहीं मानते। तो क्या आदेश है ऊपर से आपको? ऊपर चालान करो इनके, मास्क के हेलमेट वगैरह के, नियमों की पालना नहीं कर रहे। हाँ, जो पुलिस का काम, पुलिस काम करेगी अपना। तो कितने चालान कर दिए अभी तक आप? 3 चालान करे हैं मास्क के, बाकी 2 इसके हेलमेट वगैरह करे। 2 हेलमेट के चालान किए हैं, 3 चालान मास्क के किए हैं, ये फिलहाल जो पुलिस अधिकारी है वो बता रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो वाहन जिन्होंने हेलमेट डाले हुए हैं वो वाहन यहाँ से ज़रूर निकल रहे हैं। और ये देखिए ये एक और मोटरसाइकिल ने अपनी गाड़ी को वहाँ पर रोक लिया है और ये देखिए जिन्होंने यहाँ पर ब्रेक मारी उन्हीं को जाकर रोक लिया, जिन्होंने पुलिस को देखकर यहाँ पर ब्रेक लगा ली थी। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी इसे शेयर भी करें और चालान उनके किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने प्राइमरी तौर पर हेलमेट नहीं डाला और नंबर प्लेट ये देखिए जिनकी टेढ़ी रहती है उनकी भी यहाँ पर चेकिंग और जाँच की जा रही है और दस्तावेज मांगे गए हैं और उन्हीं लोगों के जो चालान हैं सबसे ज़्यादा हो रहे हैं जो लोग युवा हैं बिना हेलमेट के इस तरह से घरों से निकलते हैं, ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करते, उनके यहाँ पर जो चालान है वो फिलहाल किए जा रहे हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। कड़कड़ाती धूप है और उसी धूप में किस तरह से जो चालान है वो पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं सेक्टर 13 और सेक्टर 13 एक्सटेंशन की जो रोड है वहाँ पर। और देखिए 3 पुलिस कर्मचारी वहाँ पर बीच में भी खड़े हैं जो लोग इस तरह से बीच में से वाहनों को मोड़ लेते हैं उन्हें रोकने के लिए, और यहाँ पर अलग से जो पुलिस मुलाजिम हैं वो खड़े किए गए हैं जिनके पास यानी कि या तो दस्तावेज पूरे नहीं हैं या हेलमेट नहीं है या मास्क नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि बढ़ता हुआ जो क्राइम है उसको देखते हुए ऊपर से आदेश दिए गए हैं कि बढ़ता हुआ जो क्राइम है उस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो चालानिंग प्रक्रिया है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी इसे शेयर भी करें। ये सीधी तस्वीर इस समय करनाल के सेक्टर 13 से आप देख रहे हैं जहाँ पर पुलिस द्वारा लगातार चालानिंग की जा रही है उन लोगों की जो लोग बिना यानी कि हेलमेट के और बिना टीमों के यहाँ से निकल रहे हैं। और ये देखिए उन्हीं वाहनों को सबसे ज़्यादा रोका जा रहा है जिनके पास
या तो हेलमेट नहीं है या फिर दस्तावेज पूरे नहीं है, और जिनके पास मास्क नहीं है उनके चालान किए जा रहे हैं। मास्क लगाना चाहिए ना। और माफ़ी मांगता हुआ युवक नज़र आ रहा है कि माफ़ कर दीजिए, आज हेलमेट और मास्क मैंने नहीं लगाया हुआ। और फिलहाल पुलिस सुन रही है कि आखिर वो क्या कुछ कहता है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सीधी तस्वीर इस समय करनाल से आप देख रहे हैं, जहां पर करनाल पुलिस एक बार फिर से मुस्तैद होती हुई नज़र आ रही है और पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा वाहनों के चालान किए जा रहे हैं। और देखिए, जो लोग ढंग से अच्छे से बात करते हैं, सही कारण बताते हैं, उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। लेकिन अधिकतर हमने आपको दिखाया कि जो लोग हैं वो बदतमीज़ी के साथ बात करते हैं, जिसके बाद पुलिस को भी सख्त होकर सख्ताई दिखानी पड़ती है और चालान काटने पड़ते हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखे भी इसे शेयर भी करें। सीधी तस्वीर करनाल से आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस चालान करती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो ट्रैफिक नियमों की पालना ज़रूर करें, हेलमेट और दस्तावेज लेकर चलें, ताकि आप पुलिस से चालान कटवाने के लिए बाध्य ना हो और आपको भी इस तरह से बहानेबाजी ना करनी पड़े। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि एक बार फिर से करनाल पुलिस ने चालान शुरू कर दिए हैं। बढ़ते हुए क्राइम को देखते हुए चालानिंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। करनाल के सेक्टर 13 और 13 एक्सटेंशन के बीच में जो रोड है, वहां पर आपको बता दें कि करनाल पुलिस द्वारा धड़ाधड़ आज चालान किए जा रहे हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि चालानिंग करते हुए पुलिस अधिकारी यहां पर नज़र आ रहे हैं, जिनके दस्तावेज पूरे नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर केवल चालान से जो क्राइम है वो कैसे रुकेगा, केवल चालान से जो बढ़ता हुआ क्राइम है वो कैसे रुकेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर वाहन को यहां पर रोका जा रहा है, जिन्होंने नियम कायदे कानून की जो लोग पालना नहीं कर रहे उनके यहाँ पर चालान करते हुए जो अधिकारी हैं वो नज़र आ रहे हैं। कुछ गाड़ियाँ वापस मुड़ जाती है, ये देखिए, जो लगातार जिस रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम ट्रैफिक रहता है, उस रोड के ऊपर आप देख सकते हैं कि वाहन किस तरह से मुड़ मुड़ कर वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सीधी तस्वीर इस समय आप करनाल से देख रहे हैं, जहाँ पर बढ़ते हुए क्राइम को देखने के बाद जो पुलिस अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि आदेश किए गए हैं कि चालानिंग को एक बार फिर से शुरू किया जाए और सेक्टर 13 और 13 एक्सटेंशन के बीच किस तरह से जो चालानिंग प्रक्रिया है वो होती हुई दिखाई दे रही है। और ज़्यादातर उन वाहनों को रोका जा रहा है जिन्होंने हेलमेट नहीं डाला हुआ या जिनके ऊपर डाउट रहता है कि इनके पास दस्तावेज नहीं होंगे। ये फिलहाल आप देख सकते हैं कि कैसे, ये देखिए नंबर प्लेट, देखिए कितनी नंबर प्लेट है। इन वाहनों को यहाँ पर रोका जा रहा है जिनके छोटी छोटी नंबर प्लेट है। ट्रैफिक नियमों की जो लोग पालना नहीं करते उनके जो चालान हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी इसे शेयर भी करें। फिलहाल किस किस चीज़ के चालान किए जा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। और पुलिस कंट्रोल रूम की तरफ से यहाँ पर गाड़ी आई हुई है जिसमें 4-5 पुलिस मुलाजिम हैं और हर वाहन की यहाँ पर जाँच की जा रही है, जो लोग यहाँ पर ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं कर रहे। सर, किस किस चीज़ के जो चालान है वो किए जा रहे हैं? मास्क, हेलमेट वगैरह। मास्क और हेलमेट के? हाँ जी। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे सर, एक बार फिर से कहीं ना कहीं लोगों ने जो ट्रैफिक नियम है उनकी पालना बंद कर दी है? लोग बहुत सियाने हैं, क्या कहें इनको, सुनाओ। मानते नहीं, बहुत सियाने हैं लोग, बहुत पढ़े लिखे हैं, नहीं मानते। तो क्या आदेश है ऊपर से आपको? ऊपर चालान करो इनके, मास्क के, हेलमेट वगैरह के, नियमों की पालना नहीं कर रहे। हाँ, जो पुलिस काम करेगी अपना। कितने चालान कर दिए अभी तक आपने? 3 चालान करे हैं मास्क के, बाकी 2 इसके हेलमेट वगैरह के। 2 हेलमेट के चालान किए हैं, 3 चालान मास्क के किए हैं, ये फिलहाल जो पुलिस अधिकारी है वो बता रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो वाहन जिन्होंने हेलमेट डाले हुए हैं वो वाहन यहाँ से ज़रूर निकल रहे हैं। और ये देखिए, ये एक और मोटरसाइकिल ने अपनी गाड़ी को वहाँ पर रोक लिया है। और ये देखिए, जिन्होंने यहाँ पर ब्रेक मारी उन्हीं को जाकर रोक लिया, जिन्होंने पुलिस को देखकर यहां पर ब्रेक लगा ली थी। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी इसे शेयर भी करें। और चालान उनके किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने प्राइमरी तौर पर हेलमेट नहीं डाला और नंबर प्लेट, ये देखिए, जिनकी टेढ़ी रहती है उनकी भी यहाँ पर चेकिंग और जाँच की जा रही है और दस्तावेज मांगे गए हैं। और उन्हीं लोगों के जो चालान हैं सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, जो लोग युवा हैं, बिना हेलमेट के इस तरह से घरों से
निकलते हैं, ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करते, उनके यहाँ पर जो चालान है वो फिलहाल किए जा रहे हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। कड़कड़ाती धूप है और उसी धूप में किस तरह से जो चालान है वो पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। सेक्टर 13 और सेक्टर 13 एक्सटेंशन की जो रोड है वहाँ पर, और ये देखिए 3 पुलिस कर्मचारी वहाँ पर बीच में भी खड़े हैं। जो लोग इस तरह से बीच में से वाहनों को मोड़ लेते हैं उन्हें रोकने के लिए, और यहाँ पर अलग से जो पुलिस मुलाजिम है वो खड़े किए गए हैं, जिनके पास यानी कि या तो दस्तावेज पूरे नहीं है, या हेलमेट नहीं है, या मास्क नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि बढ़ता हुआ जो क्राइम है उसको देखते हुए ऊपर से आदेश दिए गए हैं कि बढ़ता हुआ जो क्राइम है उस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो चलानिंग प्रक्रिया है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। ये सीधी तस्वीर इस समय करनाल के सेक्टर 13 से आप देख रहे हैं, जहाँ पर पुलिस द्वारा लगातार चलानिंग की जा रही है उन लोगों की जो लोग बिना यानी कि हेलमेट के और बिना नियमों के यहाँ से निकल रहे हैं। और ये देखिए उन्हीं वाहनों को सबसे ज़्यादा रोका जा रहा है जिनके पास या तो हेलमेट नहीं है या फिर दस्तावेज पूरे नहीं है और जिनके पास मास्क नहीं है उनके चलान किए जा रहे हैं। मास्क लगाना चाहिए ना। और माफ़ी मांगता हुआ युवक नज़र आ रहा है कि माफ़ कर दीजिए, आज हेलमेट और मास्क मैंने नहीं लगाया हुआ। और फिलहाल पुलिस सुन रही है कि आखिर वो क्या कुछ कहता है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सीधी तस्वीर इस समय करनाल से आप देख रहे हैं, जहां पर करनाल पुलिस एक बार फिर से मुस्तैद होती हुई नज़र आ रही है और पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा वाहनों के चालान किए जा रहे हैं। और देखिए जो लोग ढंग से अच्छे से बात करते हैं, सही कारण बताते हैं, उन्हें छोड़ भी दिया जाता है, लेकिन अधिकतर हमने आपको दिखाया कि जो लोग हैं वो बदतमीज़ी के साथ बात करते हैं, जिसके बाद पुलिस को भी सख्त होकर सख्ताई दिखानी पड़ती है और चालान काटने पड़ते हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। सीधी तस्वीर करनाल से आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस चालान करती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो ट्रैफिक नियमों की पालना ज़रूर करें, हेलमेट और दस्तावेज लेकर चलें, ताकि आप पुलिस से चालान कटवाने के लिए बाध्य ना हो और आपको भी इस तरह से बहानेबाजी ना करनी पड़े। आप देख रहे हैं M24, मैं हूँ आकर्षण पुल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद।